हिंदुस्तान के चैनलों के इतिहास का सबसे बड़ा क्राइम शो वांटेड में आप सभी का स्वागत है। वांटेड सिर्फ एक क्राइम शो नहीं बल्कि एक नए किस्म के जन आंदोलन की बुनियाद है। एक ऐसी ग्रुप एक्टिविटी जिसमें हर कोई है एक्टिविस्ट। इसके जरिए हम आपकी मदद से देश के सभी फरार और खतरनाक अपराधियों की धरपकड़ का अभियान छेड़ने जा रहे हैं। वांटेड में हम आपको हर अपराधी के जुर्म की दुनिया में दाखिल होने से लेकर उसके फरार होने तक का पूरा किस्सा दिखाएंगे। वांटेड के लिए एक थीम सॉन्ग भी तैयार किया गया है। वांटेड के आज के एपिसोड की शुरुआत हम इसी थीम सॉन्ग से करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी छाई है बस एक बीमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी छाई है बस एक बीमारी, इसको मारो उसको काटो कैसे भी भर नी तिजोरी, छोटे जितने भी हो मर पर ऊंची उड़नी है उड़ान, मासूम हो चेहरा मगर पर भीतर जैसे एक शैतान, भीतर जैसे एक शैतान, भीतर जैसे एक शैतान। मेरा भारत है महान, सौ में से नब्बे बेईमान, मेरा भारत है महान, सौ में से नब्बे बेईमान, मेरा भारत है महान, सौ में से नब्बे बेईमान, मेरा भारत है महान, सौ में से नब्बे बेईमान। कन्याकुमारी छाई है बस एक बीमारी, इसको मारो उसको काटो कैसे भी भरनी तिजोरी, लाशों के ढेरों पे चढ़कर मिल भी जाए गर्भपात, बेटी ने तुझको मिल के एक दिन हो ही जाना है यूं खाक, हो ही जाना है यूं खाक, हो ही जाना है यूं खाक। मेरा भारत है महान, सौ में से नब्बे बेईमान, मेरा भारत है महान, सौ में से नब्बे बेईमान, मेरा भारत है महान, सौ में से नब्बे बेईमान, मेरा भारत है महान, सौ में से नब्बे बेईमान। हम आपको दिखाएंगे बलिया के कुख्यात अपराधी कौशल कुमार चौबे की कहानी, जिसके सर पर यूपी पुलिस ने रखा है 2 लाख का इनाम। बलिया के हल्दी पुलिस स्टेशन में कुख्यात अपराधी कौशल कुमार चौबे के नाम आईपीसी की कई धाराओं के तहत गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 14 मामले हत्या के प्रयास यानी दफा 307 के हैं। दफा 302 के तहत उस पर हत्या के 7 मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा हत्या की साजिश, यूपी गुंडा एक्ट,
गैंगस्टर एक्ट और आईपीसी की एक दर्जन से ज्यादा गंभीर धाराओं के तहत पुलिस को कौशल कुमार चौबे की तलाश है। उसकी हिस्ट्री शीट नंबर 44A अभी बंद नहीं हुई है। जब तक कि कौशल कुमार चौबे गिरफ्तार नहीं हो जाता, इस हिस्ट्री शीट में किसी नए संगीन मामले के दर्ज होने का खतरा बना हुआ है। पहुंचा देना है फरार मुजरिम को ये पैगाम कि हम आ गए हैं करने उनकी नींद हराम। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी। आज हम फिर छेड़ेंगे एक नई मुहिम। मेरे रडार पर होगा आज एक नया फरार मुजरिम। तो आइए साथ मिलकर कसम खाते हैं, हम हर वांटेड को हवालात में पहुंचाकर ही लेंगे दम। माँ ममता की मूरत होती है, वही अपनी संतान में संस्कारों की नींव डालती है। माँ वो देवी होती है जिसके आंचल की छाया में बच्चा सही और गलत का फर्क सीखता है। बलिया का आतंक कहलाने वाले कौशल कुमार चौबे को जुर्म के दलदल में धकेलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ही है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कौशल कुमार चौबे की है। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के चैन छपरा गांव के इस अपराधी के सिर पर 2 लाख का इनाम घोषित है। बेहद गुस्सैल स्वभाव का ये अपराधी कई सालों से पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा है। जिद्दी और दबंग चौबे की मां शकुंतला ने अपने ही परिवार की जड़ में मट्ठा डालने का काम किया। आज से करीब 20 साल पहले कौशल कुमार चौबे बलिया कलेक्ट्रेट में बाबू हुआ करता था। मामूली सैलरी के बावजूद वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसकी खुशियों को उसकी माँ की ही नजर लग गई। अरे चूड़ी पहन के घर में बैठो, तुम लोगन से कछु ना हो सके, हमरा के सब बुझा गई। थोड़ जा, अरे शेरनी की कोख से सियार जन्मे हो तुम लोग। अम्मा, का उल्टा उल बक रही हो? अगर हमारी खोपड़ी खराब हो गई ना तो भरा चौराहा साले का गोली मारब, बाकी ताना मत मारो हमका, समझे कि नहीं? भैया छोड़िए भी। और अम्मा, तू काहे को इतना चिंता करत हो? वो जमीन अब चौबे खानदान की हुई, चलो आज उसी को देखते। चल निकाले पिस्तौल, आप देख लेते साले का। अरे बात बात में लड़ाई टंटा ठीक नहीं है, जरा सोच के देखो कौशल। देखा ई, देखा ई है चौबे जी। अरे बलिया के चैन छपरा के चौबे जी, इनका अम्मा 6 मर्द जना। अब वो मर्द है कौनो नस्ल के, देखो देखो देखो। अरे जब तुमसे कुछ ना हो सका तो काहे बीच में मुंह देते हो? चल बैठ जा और मुंह बंद रखा। कौशल की अम्मा ई ठीक ना है। अरे चुप रहे, बाकी नहीं, हम तो हार अम्मा की तरह लाजवंती ना है। हमरी तरफ केहू के नजर उठे ना तो हम आंख निकाल के हथेली पे रख दे। चल निकाल दे, निकाल दे, अभी तक क्या नहीं देखिया। चल इसको देखते दिमाग खराब कर रखा है। बात बता, जब हमारी अम्मा ने कह दिया कि जवाही की वो जमीन हमारी है, हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे वही जमीन तो हमारी है, ये बात का सारे गांव को पता है। सुन, अब हम जा रहे हैं,
और दोबारा उस जमीन की तरफ संडास करने भी गए ना। ये जो लाठी देख रहा है ना, इसको डाल दूंगा। इसी तरह अपनी मां के उकसावे में आकर कौशल कुमार चौबे और उसके दोनों भाइयों ने पहली बार जुर्म की किसी वारदात को अंजाम दिया। मारपीट की इस घटना का किसी भी गांव वाले ने विरोध नहीं किया, बस इसी वजह से कौशल कुमार के हौसले बुलंद होते चले गए। पिस्टल रखने की शौकीन शकुंतला चौबे ने पूरे परिवार को अपराध के दलदल में धकेल दिया। आए दिन कौशल और उसके भाई गांव वालों से बात बात पर उलझने लगे। कौशल चौबे के पूरे परिवार के पास लाइसेंसी हथियार थे, जिनके दम पर वो गांव वालों को डराने धमकाने लगे। लोग भी चौबे परिवार से दूर रहने में ही भलाई समझ रहे थे। कौशल कुमार चौबे के इस आतंक को जल्द ही एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन गांव के रहने वाले अरुण चौबे उर्फ पप्पू से उसकी कहा सुनी हो गई। ताकत के नशे में चूर कौशल ने अरुण की बुरी तरह लाठी डंडों से पिटाई कर दी। शायद कौशल को यह मालूम नहीं था कि यह दुश्मनी एक दिन उसे महंगी पड़ने वाली है। अरुण चौबे उर्फ पप्पू शत्रुघ्न चौबे की तरह खामोश नहीं रहा। कौशल चौबे से बदला लेने के लिए पप्पू ने घटना के ठीक 5 दिन बाद कौशल चौबे के पिता कमलाकांत चौबे पर तमंचे से हमला कर दिया। कौशल के पिता कमलाकांत चौबे इस जानलेवा हमले में बच तो गए, लेकिन इस हमले में बुरी तरह घायल हो चुके थे। इधर कौशल को जब इस बात का पता चला तो वो गुस्से में पागल हो गया। कौशल कुमार चौबे अपने पिता पर हुए जानलेवा हमले से ज्यादा इस बात से बौखलाया हुआ था कि गांव पर बनाया उसका रौब खतरे में था, और इस अपमान का बदला लेने के लिए वह पागल सा हो रहा था। कौशल कुमार चौबे अब किसी भी हालत में पप्पू चौबे को मौत के घाट उतार देना चाहता था, और इस बदले की आग में घी डालने का काम कौशल कुमार चौबे की मां शकुंतला चौबे कर रही थी। आखिरकार ठीक 2 महीने बाद जब कौशल कुमार चौबे से नहीं रहा गया तो उसने बिना सोचे समझे अरुण चौबे के घर पर फायरिंग शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर अरुण चौबे उस दिन भाग तो गया, मगर ठीक 2 दिन बाद कौशल कुमार चौबे ने अरुण चौबे उर्फ पप्पू पर फिर से हमला बोल दिया। इस हमले में भी अरुण चौबे घायल तो हुआ मगर बच गया। अब उस परिवार में रात दिन बस यही योजना बनती थी कि अरुण चौबे और पप्पू से बदला कैसे लिया जाए। इस उहापोह में दिन गुजरते रहे, लेकिन समय के साथ बदले की आग और भड़कती जा रही थी।
हमारी अम्मा ने कह दिया कि जवाही की वो जमीन हमारी है, उसको समझ नहीं आ रहा। माँ के उकसावे में आकर कौशल पप्पू पर एक के बाद एक कई हमले कर चुका था, लेकिन पप्पू के बार बार बच जाने की वजह से कौशल की हालत फन कुचले नाक की तरह हो गई थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इस बार कौशल ने पप्पू को ठिकाने लगाने की एक ऐसी योजना बनाई जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। कौशल कुमार चौबे ने अब एक नई चाल चली। उसने गांव के कुछ लोगों के सामने अरुण चौबे उर्फ पप्पू से सुलह कर लिया और ऐसे वक्त का इंतजार करने लगा जब अरुण चौबे उर्फ पप्पू पर अचूक हमला किया जा सके। 25 दिसंबर 1992 की रात जब पूरा चैन छपरा गांव दिवाली के जश्न में डूबा हुआ था, लोग खुशियां मना रहे थे, तब कौशल अपने दुश्मन पर घात लगाकर बैठा हुआ था। लेकिन कौशल की आंखों में बदले का ऐसा बारूद सो लग रहा था जिसने पलक झपकते इस जश्न को मातम में बदल दिया। अरुण कुमार चौबे उर्फ पप्पू की हत्या के बाद कौशल कुमार चौबे बलिया में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। वो अब इस आतंक और खौफ को अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहता था। वो सरकारी बाबू के तौर पर काम कर चुका था। उसे पता था कि उसकी दबंगई कहां से और कैसे पैसा बटोर सकती है। उसने पीडब्ल्यूडी के ठेकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इन ठेकों को हासिल करने के लिए उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बलिया में पीडब्ल्यूडी ठेकेदारी पर धीरे धीरे कौशल कुमार चौबे का कब्जा हो रहा था, लेकिन साथ में उसके पाप का घड़ा भी भर रहा था। बंदूक के बल पर दबदबा बनाए कौशल कुमार चौबे को ऐसा संघीय अपराधी माना जाता है जिसे इनकार सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी जिद के लिए खून बहाने में उसे कोई गुरेज नहीं। दखल नहीं थी। कोई साला कुछ भी बोले तो मुझे बता। अभी पकड़ने वाला। अच्छा तुम लोग चलो, समझदारी के साथ जो भी काम करना है करना। मैं इसको देखता हूँ साला इंजीनियर को। इसकी इंजीनियर इंजीनियर के साथ दो पुलिसकर्मियों की दिन दहाड़े हुई इस हत्या से पहली बार कौशल कुमार चौबे शासन की नजर में आया। साला बैठे बिठा एक और मुसीबत। अबे कितना बड़ा गुंडा है ये कौशल कुमार चौबे। साला पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा उसने। वो दोनों जिंदा हैं या मर गए? सर कहाँ जिंदा है, वो दोनों तो भगवान को प्यारे हो गए। सर बड़ा सनकी है चौबे, आजकल बहुत चर्चा है इसका। अबे उसके सान में कसीदे ही पढ़ते रहोगे या कुछ काम धाम भी करोगे? पता करो वो का बच्चा गया कहाँ।
मुझे वो चाहिए। सर कहाँ से पता करें, उसके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं, सब डरते हैं सर उससे। अरे कोई तो उसका दोस्त होगा, कोई तो उसका दुश्मन होगा, उसको खिलाओ पिलाओ किसी भी तरह से उसका पता लगाओ। मुझे वो आदमी किसी भी सूरत में जेल के अंदर चाहिए, समझे? जी जनाब, जय हिंद। जय हिंद सर। हाँ सर, पता कर रहे हैं सर। जी सर, हम नजर रखे हुए हैं सर। सर जब आप कह दिए तो हो जाएगा सर, एकदम नजर रखे हुए हैं सर, मौका लगते ही ठोक देंगे साले को। जय हिंद सर। बंदूक और पैसे के दम पर कौशल कुमार चौबे बलिया में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। वो किसी भी तरह से बलिया के पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी पर किसी और की दखल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। यही वजह थी कि 3 जुलाई 2004 को पीडब्ल्यूडी के कैंपस में 4 को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजन आज भी इस दर्दनाक घटना को भूल नहीं पाए हैं। उस दिन टेंडर निकला हुआ था, छोटा भाई अखिलेश भी गया और कौशल चौबे के लोग रोक रहे थे कि टेंडर नहीं। उसी में बाताबाती हुई, फिर अखिलेश ने अपने बड़े भाई अरविंद को बुलाया, दया शंकर सिंह को भी बुलाया, ये लोग आते गए और बारी बारी इस लोग मारते। इस हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आई और कौशल कुमार चौबे के बेटे अंशुमान चौबे को एक मुठभेड़ में मार गिराया। कौशल कुमार चौबे फरार हो गया। यूपी पुलिस को कई सालों से उसकी तलाश है, लेकिन कौशल चौबे अभी भी अपने आपराधिक साम्राज्य के जरिए अपने काले कारनामों को कैसे अंजाम दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल कौशल कुमार चौबे पुलिस और कानून की पकड़ से बाहर है। उसे जुर्म की दलदल में धकेलने वाली उसकी माँ का भी कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। कौशल की पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ गायब है और कौशल के हर जुर्म के बराबर के हिस्सेदार रहे उसके दोनों भाई अरुण और अजीत जेल में हैं। गौर से देखिए इस तस्वीर को, यही है वो शातिर अपराधी जिसके लिए इंसानी खून बहाना हंसी खेल से ज्यादा कुछ नहीं। इस समय इसकी उम्र करीब 50 साल है। रंग सांवला और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाला ये संकी हो सकता है आपके आसपास पहचान बदल कर रह रहा हो। इस अपराधी पर उत्तर प्रदेश के कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी और जबरन जमीनों पर कब्जा करवाने जैसे धंधों में लिप्त इस अपराधी के खौफ से पूरा बलिया कांपता है। इससे पहले कि इसके जुर्म का कारोबार दोबारा शुरू हो, हमें छेड़नी होगी एक मुहिम ताकि पकड़ में आ सके ये खतरनाक अपराधी। आइए साथ मिलकर कसम खाएं, हम इस वांटेड अपराधी को हवालात में पहुंचाकर ही लेंगे दम। हो सकता है ये सनकी और शातिर अपराधी आपके आसपास कहीं पहचान बदल कर रह रहा हो। इस वांटेड अपराधी के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल करें। हमारा पता है समाचार प्लस H174 सेक्टर 63 नोएडा 201301। इस समाज के दुश्मन को सलाखों के पीछे पहुंचाना बेहद जरूरी है। आज बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और काली कहानी के साथ।